लेकिन वो है, क्योंकि मैं सिर्फ पहाड़ों की बात नहीं करूंगा, मैं कुछ 10-15 साल से एक मेरे मित्र बने दक्षिण में, रविंद्र शर्मा अदिलाबाद में रहते हैं, मैं उनके जब से संसद में आया हूं, ये भारत के लोक समाज को समझने मुझे बहुत सुविधा हुई है। वो लोक समाज के अपने मूल्य हैं, वो सहज जीवन जीता है और वो असहज नहीं है। ये जितना सेक्युलर समाज है, मैं और आप सब लेकर के, और जितने ये शिक्षा के दौर से गुजरे हुए लोग हैं, कोई एक आध अपवाद छोड़ दीजिए तो होंगे तो होंगे, और वो अपनी बदौलत होंगे, लेकिन ये पूरी जो धारा चल रही है वो तो आपको असहज बनाने के लिए चल रही है। आप बोलिए कुछ, समझिए कुछ, आप शब्दों का प्रयोग करिए, आप अर्थ जाने या न जाने कोई मतलब नहीं है। आप दूसरों को इम्प्रेस करने में रहिए, आप होने में मत रहिए। ये पूरा का पूरा हमारी शिक्षा आज के दिन कर रही है, और मैं इसमें सिर्फ मेनस्ट्रीम एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे जैसे जिन तथाकथित ऑल्टरनेटिव एजुकेशन वाले भी ज्यादातर इसी में फंसे पड़े हैं, उनकी कैटेगरीज भी वही हैं, करने के तरीके थोड़े बदल गए होंगे, थोड़े ज्यादा डेमोक्रेटिक हो गए होंगे, थोड़े ज्यादा लोकतांत्रिक हो गए होंगे, वगैरह वगैरह, क्योंकि वो सेक्युलर वैल्यूज, वो भी तो छवि वो दिखानी है कि हम कितने सेक्युलर हैं, तो वो ओढ़ लिया है हमने कि ये इस तरह से हमको दिखना चाहिए, अंदर से हो ना हो कौन ढूंढने जाता है। तो मैं ये सिर्फ यहां पे, क्योंकि आनंद भाई ने एक बात कही कि भाई हम लोगों को कुछ समय छोड़ देना चाहिए, लोगों को प्रश्न उत्तर करें तो जरा ज्यादा जमेगा मामला, इसलिए मैं थोड़ी सी बात और कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। वो ये कि क्या हम दो तीन बातों को सोच सकते हैं, एक सेक्युलर वैल्यूज की जगह हम अपने लोक, अपने समाज, अपना वो समाज जो आज भी तथाकथित मुख्य धारा से थोड़ा सा बचा हुआ है, तथाकथित शिक्षा से थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसकी उसके क्या मूल्य हैं, उनको पहचानने की हम चेष्टा कर सकते हैं, और क्या वो हमारा आधार बन सकता है जीवन जीने का, शिक्षा का, इत्यादि इत्यादि। एक बात, इसमें बहुत आसान नहीं है ये मैं मानता हूँ, लेकिन हम लोग कुछ मेहनत करें, कुछ साल इसमें लगाएं, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हम निकल सकती हैं, बहुत अच्छी तरह निकल सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा एक बात को मैं खाली यहाँ फ्लैग ऑफ करना चाहता हूँ कि एक मानसिकता बन गई है कि पुराना बुरा होता है और नया अच्छा होता है, और ये शिक्षा में व्याप्त है, और क्रिएटिविटी सारी नए से जुड़ गई, सारी की सारी सृजनात्मकता इससे जुड़ी है कि कुछ नया करो, घोड़े के ऊपर सींग लगाओ, नया हो गया। तो न्यू फॉर न्यूनेस, न्यूनेस फॉर न्यू सेक, कि आप ओरिजिनलिटी का मतलब यह है कि पहले नहीं हुआ हो, कुछ ऐसा हो विचित्र सी चीज, पर वो नई नई दिखनी चाहिए। इसका भूत इतना भयंकर है कि हमने अपने पुराने में कुछ अच्छा है तो उसको देखना ही हमने छोड़ दिया है, क्योंकि नया होना चाहिए। तो ये जो नएपन का भूत है, क्या ये हमारे दिमाग से निकल सकता है? इसी में एक बात जोड़ देता हूं, ये और उसको शायद जगमोहन ने अपनी बात में कहा था, स्मार्ट सिटी वाली बात, ये मुझे बहुत उद्वेलित करती है। सिटी, स्मार्ट सिटी, सिटी उद्वेलित नहीं करती है, ये शब्द स्मार्ट, क्योंकि मेरे गांव का छोटे से बच्चा से लेकर के और दिल्ली में सबसे ऊंची गद्दी पे बैठा हुआ आदमी इसी के लिए आतुर कातुर है इस देश में कि मैं किसी तरह स्मार्ट बन जाऊं। ये स्मार्ट क्या है उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, पर मुझे ऐसा लगता है स्मार्ट का मतलब आम तौर पे मानस में ये है कि मैं दूसरे को पीछे छोड़ के कैसे आगे निकल जाऊं, एक, दूसरे को चालाकी से मैं कैसे बेवकूफ बना लूं, दो, इसके अलावा मुझे स्मार्ट का कोई मतलब समझ में आता नहीं है। ये व्याप्त है, ये व्याप्त है नीचे से लेके ऊपर तक, और ये व्याप्त है राइट से लेके लेफ्ट तक। इसीलिए मैं ये इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम शिक्षा और समाज की अगर बात करते हैं
तो हम राजनीति को नहीं छोड़ सकते और राजनीति दिमाग में है। हम सब पॉलिटिकली करेक्ट होने की उसमें जुगत में हमने सच्चाई को बोलना और सच्चाई को देखने में हम डरने लगे हैं। हम इससे कैसे ऊपर उठेंगे? मैं यहाँ अपनी बात को विराम देता हूँ, इसके बाद आपसे कुछ आनंद जी बोल दें, फिर थोड़ा समय होगा तो और बात करें। धन्यवाद।